भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक सेफ्टी रूल्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक सेफ्टी रूल्स। जो बेसिक रूल्स होते हैं, जो आपने क्या है कि इमीडिएट रिपोर्ट इनलेस इंजरीज, जो भी आप हादसा होता है, कोई आदमी जख्मी होता है या कोई नियर मिस होता है या कोई स्पिल होता है या कोई व्हीकल आपस में टकरा जाती है, कोई गाड़ियां टकरा जाती हैं, गाड़ियों का कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो जाता है, ये या फिर अनसेफ कंडीशन है, वो आपने रिपोर्ट करनी है फौरन। छुपाना नहीं है उसको, उसको फौरन आपने रिपोर्ट करना है, बताना है कि ये चीज हो गई है, ये मेन चीज है। उसके बाद आपने प्रॉपर टूल्स यूज करने हैं, जो टूल जिस काम के लिए बने हैं वही यूज करने हैं, राइट प्रॉपर टूल्स। होममेड टूल्स यूज नहीं करने, होममेड टूल्स अलाउ नहीं है। जो आप लोग खुद बनाते हो ना, वो टूल्स अलाउ नहीं होते साइट पे काम करने के लिए। उसके बाद है आपका मेंटेन गुड हाउसकीपिंग, अच्छी हाउसकीपिंग होनी चाहिए साइट पे। उसके बाद में स्मोकिंग एंड ईटिंग इन डेजिग्नेटेड एरियाज ओनली। जो जगह है खाने के लिए बनाई है मैस शेल्टर, स्मोकिंग के लिए स्मोकिंग शेल्टर बनाया है, वहीं पे आपने स्मोकिंग करनी है और वहीं पे आपने खाना खाना है, जहां पे मैस शेल्टर खाने की जगह बनाई गई है और जहां पर स्मोकिंग का स्मोकिंग शेल्टर स्मोकिंग के लिए बनाया गया है। और कहीं भी आपने स्मोकिंग नहीं करनी और कहीं भी वर्क साइट पे खाना नहीं खाना है। उसके बाद में है आपका, आप जो पाइप पे चढ़ना और उस पे खड़ा होना या इक्विपमेंट पे खड़ा होना, इक्विपमेंट के ऊपर चढ़ना, इट्स नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। हॉर्स प्ले और फाइटिंग, हॉर्स प्ले क्या है, एक दूसरे को धक्का देना, मस्ती मजाक करना, ये सब अलाउ नहीं होता कंस्ट्रक्शन साइट पे या वर्क साइट पे। उस या कहीं भी ऐसी शोर वाली जगह पे आप लोग काम कर रहे हो तो वहां पर ईयर प्रोटेक्शन लगाना जरूरी है। ईयर प्रोटेक्शन के लिए वो आते हैं मफ, आते हैं ईयर मफ आते हैं, वो आप लोग को लगाना जरूरी है। उसके बाद में फॉल प्रोटेक्शन जरूरी है, 1.8 मीटर 6 फुट हाइट और उससे ज्यादा पे आपको फॉल प्रोटेक्शन करना है। फॉल प्रोटेक्शन में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले आपका सेफ्टी हार्नेस, सेफ्टी बेल्ट आपने लगाएंगे, उसके बाद स्कैफोल्डिंग, ये सारी चीजें आ जाती है फॉल प्रोटेक्शन में। उसके बाद एक्सेवेशन 1.2 मीटर, 4 फीट है और 4 फीट से ज्यादा है तो ये कंसीडर होगी कंफाइंड स्पेस में, कंफाइंड स्पेस में कंसीडर होगी। और उसमें हर 7.5 मीटर के बाद, 25 फीट के बाद एक एक्सेस देना लाजमी है आपको, पूरी एक ट्रेंच है उसमें आपको हर 25 फुट के बाद 7.5 मीटर के बाद एक एक्सेस देना है, लैडर या एक्सेस देना है, ताकि कोई इमरजेंसी हो तो आदमी बाहर आ सके या कोई आदमी अंदर जा सके इजीली। उसके बाद में आपको पता है न्यू मंथ स्टार्ट होने वाला है तो कलर कोड, इट इज वेरी एसेंशियल, कलर कोड एवरी मंथ, आपको हर महीने कलर कोड करना होता है। और नया कलर, नया कलर कौन सा है नेक्स्ट मंथ जो आ रहा है, हाँ ब्लू, एक भाई ने बताया, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, ब्लू कलर है। तो लास्ट डे ऑफ दिस मंथ आपको कलर कोड कर दे रहे हैं स्टार्ट। ये हमारा टॉपिक था आज का, बेसिक सेफ्टी रूल्स। इमीडिएट फॉर इंग्लिश, इमीडिएट रिपोर्ट इंजरीज एंड इलनेस, नियर मिस, अनसेफ कंडीशन, व्हीकल कॉलिजन, दिस इज वेरी इमीडिएटली यू विल रिपोर्ट। यूज ओनली प्रॉपर टूल्स, डोंट यूज होममेड टूल्स एंड मेंटेन गुड हाउसकीपिंग, इट इज वेरी एसेंशियल हेयर इन द वर्क साइट। एंड स्मोकिंग एंड ईटिंग ओनली इन डेजिग्नेटेड एरियाज, क्लाइंबिंग एंड स्टैंडिंग ऑन द इक्विपमेंट एंड पाइप्स नॉट अलाउड, हॉर्स प्ले और फाइटिंग इज नॉट अलाउड एट वर्क साइट, हियरिंग प्रोटेक्शन फॉर हाई नॉइस, यू मस्ट बी पुट ईयर मफ फॉर हियरिंग प्रोटेक्शन,
एक्सेवेशन 1.2 मीटर एंड मोर देन 1.2 मीटर कंसीडर्ड इन कन्फाइंड स्पेस. यू शुड फॉलो द रूल्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस. एंड फॉर एवरी मंथ इन एक्सेवेशन एवरी 7.5 मीटर यू शुड हैव सेफ एक्सेस और लैडर. एंड फॉर द फॉल प्रोटेक्शन एवरी 6 फीट 1.8 मीटर और मोर देन दिस यू शुड हैव द फॉल प्रोटेक्शन. व्हाट इज द फॉल प्रोटेक्शन? यू शुड हैव द सेफ्टी हार्नेस बेल्ट एंड स्कैफोल्डिंग. एंड फॉर द कलर कोड, न्यू मंथ इज कमिंग सो यू शुड डू द कलर कोड फॉर द नेक्स्ट मंथ. एंड नेक्स्ट मंथ कलर इज ब्लू. Now you, everybody knows blue color. So that is our topic.